बर्थडे के साथ ही इतनी सारी चीजें और भी हैं आपके पास हमें देने को. What is the feeling if you can tell us right now? सबसे पहले तो थैंक यू अंजू रायजादा एंड विजय रायजादा मुझे जन्म देने के लिए. मेरे मम्मी पापा के बिना मैं यहाँ नहीं होती, तो सबसे पहले प्यार मोहब्बत उनके लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए. तो मेरा जो कुछ भी है पहले उनका है फिर मेरा है. एंड थैंक यू मीडिया वाले, आप लोग सब आए आज, मुझे बहुत अच्छा लगा. आज मेरे जन्मदिन के दिन मैं दो चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, एक हिंदी फिल्म का जो रिलीज़ होने वाला है और एक इंटरनेशनल फिल्म जो मेरी आने वाली है. हिंदी फिल्म का नाम आप सब लोगों ने सुन लिया होगा, IB71. अभी कुछ दिन पहले विद्युत जामवाल ने उसका पोस्टर रिलीज़ किया, तो वो बहुत जल्द सिनेमा घर में आने वाला है 12 मई को. बहुत अच्छी फिल्म है और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ उसको सिनेमा हॉल्स में देखिएगा. जो जर्मन फिल्म है शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ज़्यादातर वो यूरोप में ही दिखाई जाएगी, बट वो भी 20 अप्रैल को रिलीज़ है जो दो दिन के बाद है, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज एक यूरोपियन सिनेमा का हिस्सा बनना मेरा हमेशा से ख्वाब था. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों फिल्में मेरे जन्मदिन के आस पास रिलीज़ हो रहे हैं. हाँ जी, तो भाषा का खेल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आपको उतने ज़्यादा स्कोप मिलता है अलग अलग भाषाओं में फिल्में करने का. तो मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं जितनी भाषा बोलती हूँ उन सब भाषाओं में मैं एक फ़िल्म करना चाहती हूँ. तो क्योंकि मैं यूरोप में ही मेरी पैदाइश हुई तो उस हिसाब से बहुत आसान हुआ कि बचपन में आप जितनी भाषाएं सीख सकते हो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जो भी कुछ खास यूरोप के भाषा होते हैं जिसमें अच्छा सिनेमा बनता है. फ्रेंच सिनेमा बहुत मशहूर है, जर्मन सिनेमा भी बहुत मशहूर है, हमारा छोटा सा देश लक्समबर्ग का भी सिनेमा कुछ कुछ मशहूर होता ही जा रहा है और स्पेन का भी मौत बहुत मशहूर है. तो ये चारों भाषाओं में मैं फिल्में करना चाहती हूँ. तो ये हिमदयाल मिटजेन्फ जिसका मीनिंग है रास्पबेरीज विद मस्टर्ड, अभी हिंदी में मत पूछो रास्पबेरीज विद मस्टर्ड का क्या ट्रांसलेशन है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा डेब्यू हो रहा है जर्मन फिल्म इंडस्ट्री में और मैं ऐसा चाहूँगी कि स्पेनिश और फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री में भी मेरा एक दिन डेब्यू हो. अगर हम IB71 की अगर बात करें, व्हाट मेड यू यस फॉर दिस, बिकॉज़ देयर आर मेनी मोर मेमोरीज रिलेटेड 71, 72, 73, लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज इफ वी गो फॉर दैट. सबसे पहले आपके पास एक संकल्प रेडी जैसे डायरेक्टर आपको मिले जिनके साथ आप काम कर सको, तो उनको कोई भी नया नहीं कह सकता. मैंने आज तक बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, नीरज पांडे, इंदु जी, रोहित शेट्टी, नीरज गवान और अब संकल्प रेड्डी. संकल्प रेड्डी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर फिल्म बनाई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है. ऐसा नहीं है कि मुझे ये फिल्म बहुत आसानी से मिला, काफ़ी दिक्कतों मुश्किलों से मिला, बहुत बहुत कुछ हुआ. और ऐसी फिल्मों में और मज़ा आता है जब आपके पीछे हमेशा एक कहानी होती है उस फिल्म को, मतलब जब आपको मिलती है तो और भी इंटरेस्टिंग रहता है. 1971 का जो टाइम है वो हमारे लिए एक विक्टोरियस ईयर है क्योंकि इंडिया 1971 की वॉर जीती थी. तो आप लोग इस फिल्म में वो सब देख पाएंगे जो इतिहास में ऑलरेडी हो चुका है. To this being a part of a spy universe as nowadays artist ki ek bahut badi ek want ho gayi hai ki wo spy universe ki ek nayi spy movie aap kar rahi hai IB71. How does it feel right now that doing a such a big year? आई एम वेरी हैप्पी. मैं ऐसा नहीं सोचती कि कोई स्पाई यूनिवर्स में मैं हिस्सा ले रही हूँ. मेरा हमेशा से यही राय कि मैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करूँ. तो पहले भी मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और कटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अब मैं विद्युत जामवाल और अनुपम खेर जी के साथ काम करने वाली हूँ, तो इसको लेके आई एम वेरी हैप्पी. You have already done a German movie and Hindi also, and more. You have been a multilingual artist overall. Yes. So how many more languages you want to explore? आगे? Oh, अभी South industry का craze चल रहा है, तो Telugu, Tamil, Malayalam industry high. Niharika Raizada is there, and I really want to work in all those languages as well. How was your working experience with Anupam Kher as well as Vidya? Anupam Kher ji के साथ बहुत अच्छा है always. मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, उनके बाकी फिल्मों के सेट पे भी रह चुकी हूँ. अनुपम खेर जी ने लंदन में एक स्कूल खोला था एक्टिंग के लिए, तो उस स्कूल का जो एडवर्ट था वो मैंने किया था बचपन में,
और फिर मैं उनके साथ अमेरिका भी गई थी और हम लोगों ने 15 अगस्त एक पेट्रियाटिक दिन सेलिब्रेट भी किया था और अब मैं उनके साथ एक पेट्रियाटिक फिल्म कर रही हूँ. तो आई थिंक द जर्नी हैज़ कम अ फुल सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी. कैन यू इमेजिन, कभी कभार आपको लगता है हाय इतनी सारी मुश्किलें साथ में क्यों आ गई, लेकिन आज का दिन खुशी वाला दिन है क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं. जैसे ये जर्मन फिल्म का तो मुझे पता ही नहीं था कि वो 20 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है और वो आ रही है, मतलब पूरे यूरोप में सारे सिनेमा हाउसेज में आपको ये देखेगी. तो आई एम वेरी हैप्पी. I think so. 18th April 2023 is going to be a very important birthday for me always. Aap sab log yahan pe ho, that's why it's going to be important. How the birthdays have become different from earlier, as you see in your childhood and now here with us? पहले क्या था कि हम लोग अपने दोस्तों के बीच केक काट लेते थे. अब जब तक हम लोग मीडिया के साथ केक नहीं काटते तब तक डिजिटल प्रेजेंस नहीं मिलता. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग यहाँ हैं क्योंकि आप लोग मुझे डिजिटल पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दे रहे हैं. At the moment, the only surprise is that you will see a glimpse of me in IB71. Please watch the film on the 12th of May. And I hope you like the film. And if you like the film, please tell me how you liked our roles and what you thought of our acting. And I hope you have an experience. So that's the only thing. What is the best wish or surprise that you have got today here on your birthday? I think the most beautiful thing for any actor is that usko theatrical release mile. Hum logon ko aajkal nahi milta theatrical releases. So मेरा सपना है कि मेरी फिल्में सबसे पहले हमेशा बड़े पर्दे पर लगें और फिर OTT प्लेटफॉर्म से जाएं। एंड लास्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ विश फ्रॉम योर साइड, अ रिक्वेस्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड टू योर ऑडियंस, जिस जो कि बेताब है आपको देखने के लिए, हमेशा आपके आने वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से. मैं निहारिका रायज़ादा आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी. आपने मेरा जन्मदिन बहुत स्पेशल बनाया. आप उसको और स्पेशल बना सकते हैं मेरी फिल्में देख देख कर. और आई होप कि आप लोग हमेशा मुझे दुआ में याद रखेंगे बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ और मुझे फिल्में आगे मिलती रहें. तो दैट्स माई विश ऑन दिस बर्थडे कि मुझे आगे भी फिल्में मिलें. आई होप IB71 के बाद मुझे और फिल्में मिलें. दैट इज़ माई ओनली विश. थैंक यू. थैंक यू.